अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि जो राह होते हैं और जो रिंगनेक होते हैं, इनका सबसे फेवरेट फ्रूट कौन सा होता है? जी हाँ, जो मेरे हाथ में है, गावा, जिसको जो है वो अमरूद कहते हैं। तो अमरूद में जो है वो मेरे घर पर, अभी आपने देखा कि मेरे घर पर दरख्त लगा हुआ है और इस पर जो है ये मेरे घर के हैं। साइज़ थोड़ा छोटा है लेकिन ये जो बहुत ही मीठे और बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आज जो है वो मैं आपको इन जो है वो इनके कुछ बेनिफिट्स बताने वाला हूँ और कोशिश करें कि ये आप अपने बर्ड्स को लाजमी खिलाया करें। कम से कम हफ्ते में दो दफ़ा जो है वो आप जो है वो अमरूद अपने बर्ड्स को लाजमी दिया करें। जी फ्रेंड्स, तो ये जो है ये काफ़ी भारी है और इसमें जो है ये आज जो है हमने ये सुबह से कोशिश की और जितने भी अमरूद थे वो हमने उतार लिए। आज हम अपने बर्ड्स को डालेंगे तो ये ज़रा काफ़ी हैवी है, इसको ज़रा साइड पर रखें तो फिर आपसे जो है वो इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो टब को जो है वो हमने साइड पे रख दिया और आज जो है वो हम जो है वो अमरूद के बारे में बात करेंगे। रिंगनेक राह बहुत ही शौक से खाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमने कुछ वाइल्ड बर्ड लिए हैं और वो अगर दाना भी नहीं खा रहे, कुछ भी नहीं खा रहे, उनका जिस्म सूख रहा है, तो अगर आप जो है वो अमरूद को काट के अगर उनको डाल दें तो सबसे पहले जो है वो सबसे शौक से जो है वो अमरूद खाएंगे। इसकी खुशबू की जो अमरूद की जो खुशबू होती है, इसके जो रिंगनेक और राह होते हैं ये दीवाने होते हैं। तो ये जो है इंसानों और परिंदों दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो, या कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, या आपको हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है, तो आप जो है वो अमरूद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके पत्तों में भी बहुत फ़ायदा है। इसके पत्ते जो हैं वो आप अच्छी तरह से धो के इसको ग्राइंड करके, अगर उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो आप उसका लिक्विड ले सकते हैं, स्पेशली जिनको डायबिटीज़ है। और इसके अलावा जो है अगर रोज़ के आप दो अमरूद खाएं तो ये आपकी डायबिटीज़ और आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत मददगार साबित होगा। तो अभी जो है वो हमारा चैनल क्योंकि बर्ड्स पे है तो हम बर्ड से रिलेटेड बात करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो अमरूद होता है इसमें बहुत सारे वाइटामिन्स, मिनरल्स और जो है वो फाइबर होता है। स्पेशली जो वाइटामिन सी है वो इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और आपको पता है कि वाइटामिन सी जो है वो बर्ड की इम्यून सिस्टम को बहुत बेहतर करता है।
अभी मैं बहुत सारी वीडियोस में बताता रहा हूँ कि अपने बर्ड्स के इम्यून सिस्टम को बेहतर करें, इम्यून बूस्टर डालें। वो क्यों कहता हूँ जो है, वो कोरोना की वजह से आपको पता चल गया होगा, क्योंकि जब आपका या आपके बर्ड्स का इम्यून सिस्टम बेहतर होता है तो उससे जो है वो बीमारियाँ कम अटैक करती हैं। और इम्यून सिस्टम अगर बर्ड का बेहतर होगा तो वो डेफिनेटली बहुत सी बीमारियाँ जो बर्ड को होनी होती हैं वो नहीं होती हैं, ये उनसे फाइट करता है। तो ये इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, कम से कम भी हफ्ते में दो दफ़ा जो है वो आपने इसको अमरूद को अपने बर्ड्स को ज़रूर देना है। इसके अलावा जो है, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो बर्ड शौक से खाते हैं, अगर आप कभी इनको काट कर बर्ड को डालेंगे तो सबसे पहले जो है वो इसके बीज खाएंगे। तो बीज जो हैं वो इनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, स्पेशली जो बर्ड्स को मोशन लग जाते हैं, आपके अक्सर बर्ड को मोशन लग जाते होंगे, तो ये जो हैं ये उनके निज़ाम को बेहतर करता है, इनके स्टमक को बेहतर करता है, जिसकी वजह से बर्ड को जो है वो मोशन नहीं लगते। और इसके अलावा जो है ये इनके बर्ड्स के हार्ट के लिए, इंसान के हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और सबसे मज़े की बात ये है कि ये जो है ये बर्ड्स में और इंसानों में, मैं जो भी अमरूद के बारे में बता रहा हूँ ये बर्ड्स इंसानों दोनों के लिए, तो ये बर्ड्स की जो है वो एनर्जी लेवल को बढ़ाता है। अब इतने ज़्यादा जो हैं वो अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं और क्यों नहीं आप इसका इस्तेमाल करते। फ्रूट्स वेजिटेबल्स, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ऐसे फ्रूट्स जिनमें शुगर लेवल जो है वो कम हो, वो अपने बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाया करें। और स्पेशली अभी ऑफ सीज़न में जो है वो आप सब्ज़ियों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। और स्पेशली जो ये तो 12 महीने जो है ये आपको कहीं ना अमरूद कहीं ना कहीं से मिलते ही रहते हैं, तो इसका इस्तेमाल जो है वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अगर मुझे कभी लगे कि वैसे तो मेरे बर्ड्स को कभी मोशन नहीं लगे, मुझे काफ़ी साल हो गए मैंने कभी मोशन के लिए मेडिसिन बर्ड की ख़रीदी नहीं है, लेकिन अगर आपको लगे कि आपके बर्ड्स को मोशन है, तो आप अगर आपने बर्ड्स को अगर आप ये अमरूद खिलाना शुरू कर देंगे तो उसके जो है वो उसका जो डायरिया है उसको बड़ी स्पीडली वो उसको ठीक कर देगा बगैर किसी मेडिसिन के। तो इसके जो है वो बहुत से और भी फ़ायदे हैं, अगर बात करने लग जाऊँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बताने का मकसद यही था कि जो है आप अपने बर्ड्स को अमरूद जो है वो लाजमी खिलाया करें, हफ्ते में दो दफ़ा खिलाया करें। इससे जो है वो आपके बर्ड्स का इम्यून सिस्टम, उसका निज़ाम अंदर का सारा सिस्टम और जो है वो तो अच्छा रहेगा, लेकिन बर्ड भी बहुत हैप्पी रहेगा, उसका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और वो बहुत शौक से खाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही एक बेल का बटन है वो दबाने से आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।